दिस इज रियल लाइफ और ये है माइनक्राफ्ट और ये है माइनक्राफ्ट विद रियल लाइफ ग्राफिक्स एंड आज मैं बीट करूंगा माइनक्राफ्ट को ऐसा बैन 10 एंड ब्रो मेरी ओमनीट्रिक्स 100% असली है एंड मैं स्पॉन हो चुका हूं और मुझे नहीं पता कि मैं रात में स्पॉन क्यों हुआ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी वर्ल्ड पे रात में स्पॉन हुआ। इससे पहले मैं हमेशा दिन पे ही स्पॉन होता था और इतने सारे मॉब्स यहां क्या कर रहे हैं क्योंकि हार्डकोर वर्ल्ड में भी इतने सारे मॉब्स नहीं होते। क्या हो रहा है ब्रो इस माइनक्राफ्ट में, इतने सारे ज़ॉम्बीज, क्रीपर, ओह माय गॉड एंड व्हाट इज दिस। अब मुझे समझ में आया कि मैं नाइट में स्पॉन क्यों हुआ क्योंकि बैंडन को वॉच मिलती है नाइट में, इसलिए मैं नाइट में स्पॉन हुआ आई थिंक। और शायद ये बैंडन की वॉच है। अगर ये बैंडन की वॉच है तो जल्दी से मिल जाए क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मैं नहीं झेल पाऊंगा। ओके बैंडन की वॉच ही है, मुझे नहीं पता था कि बैंडन वॉच इतनी आसानी से मिल जाएगी। मुझे लगा था कि मुझे कुछ आइटम इकट्ठे करने होंगे उसके बाद मुझे बैंडन के आइटम्स मिलेंगे, मतलब बैंडन वॉच मिलेगी। और ये बैंडन की वॉच है, इसमें पहन लेता हूँ। यप Now I'm band 10. Okay, इन सब zombies वगैरह को, इन सब creepers वगैरह को मारने के लिए मुझे कुछ aliens की जरूरत है। Last सबसे पहला alien जो कि मेरा favorite है, उसके बाद है forearms, उसके बाद है grey matter, then cannon bolt and और कुछ भी। Okay, sting fly भी है। कुछ मेरे को अच्छे से alien चाहिए। Bro, accelerate बन के देखते हैं। Oh my god, कितनी ज्यादा speed है। और फंस गया मैं, what the heck। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरी वॉच की बैटरी लो हो चुकी है। Okay, बैटरी भी आ गई और दिन भी होने वाला है। So, इन सब mobs को मारने की मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक्चुअली दिन होने वाली है। और मैं बन चुका हूँ स्टिंग फ्लाई एंड तुम इस वीडियो को काइंड ऑफ स्पीड रन मान सकते हो क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ वही कलेक्ट करने वाला हूँ जिसकी मुझे जरूरत है, लाइक टूल्स वगैरह और कुछ काइंड ऑफ स्टफ, यहाँ तक कि मैं आयरन की आर्मर भी इकट्ठा नहीं करने वाला। यप, बिल्कुल भी नहीं। एंड नाउ मुझे चाहिए सबसे पहले विलेज। अगर मैंने ढूंढ लिया विलेज तो मुझे मिल जाएगी बहुत सारे फूड्स वगैरह और टूल्स बनाने के लिए मिल जाएगा मुझे आयरन गोलम से आयरन। सो विलेज ढूंढने के लिए मैं सबसे पहले कौन से एलियन बनूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। फोरआर्म्स तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, ग्रे मैटर वगैरह, कैनन बोल्ट आई थिंक नहीं बनना चाहिए। ऐसा एलियन बनना जिसमें मैं उड़ सकूं जैसे कि स्टिंग फ्लाई। नाउ मैं बन चुका हूँ स्टिंग फ्लाई और ऊपर से उड़कर मैं ढूंढ सकता हूँ एक शानदार विलेज। जस्ट किडिंग गाइस, मैंने विलेज ढूंढ लिया है। वाओ ब्रो, कितना स्वीट विलेज है। मुझे नहीं पता था कि ये बर्फ वाली विलेज भी इतनी अच्छी दिख सकती है। आई थिंक ये सरस का कमाल है। सो दिस इज माई स्मॉल स्वीट विलेज। ये विलेज है बिल्कुल ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि सबसे अच्छी बात है कि इस विलेज पर है एक लावा पूल। ऑफ कोर्स इससे आसानी से मैं नदर पोर्टल बना सकता हूँ, पर इस विलेज में मेरे को एक बेस बनाना है जिसमें से मेरे को दो घर पसंद आए हैं। फर्स्ट घर है ग्लास की जिस पर है दो बेड्स, स्वीट ब्लू टू बेड्स। एंड यू नो मुझे ब्लू कलर कितना पसंद है, चाहे वो फिल्म ही ना हो। एंड वन फर्नेस जिसमें मैं पका सकता हूँ बहुत सारी फूड्स वगैरह। एंड सेकेंड हाउस है व्हाइट कलर की, या इसे कह सकते हैं हम इग्लू। इसमें है ग्रीन कारपेट, वन लैंटर्न। ओह माय गॉड, ये लैंटर्न बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। और इसके साथ में है दो बेड्स और इन दोनों में से मैंने सिलेक्ट किया ग्लॉसी ब्लू वाले को। क्यों नो, क्योंकि मुझे ब्लू कलर बहुत ही पसंद है। सो मच, फिलहाल के लिए रात होने वाली है तो हम सो जाते हैं अपने बेड्स में। और इस तरह बिताई मैंने इस वर्ल्ड की पहली रात। और कुछ टाइम में हो गया सुबह। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले मैंने घर पर जाकर चुराई बहुत सारे ब्रेड्स और एक कोल। देन मैंने शानदार एक लेक का लिया मजा। वाओ क्या सीनरी है, सो मच ब्यूटीफुल। उसके बाद मैंने की एक विलेजर से टाइम पास। उसके बाद मैं बना एक एलियन जिसका नाम है वाइल्ड वाइन, दिखने में पेड़ जैसा पर कोई बात नहीं। उसके बाद मारी मैंने आयरन गोलम जिससे मेरे को आयरन नहीं मिला। एंड नाउ मुझे समझ आ चुका था कि मैं किसी भी चीज को एलियन बन के मारूं तो मुझे कुछ भी चीज ड्रॉप नहीं होने वाले, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो फूड्स हो, चाहे हो वो वूल। सो मुझे एट द एंड टूल्स बनाने होंगे, क्या ही कर सकते हैं। देन मैंने बनाई एक आयरन की पिकैक्स, उसके बाद एक सॉल्ट। एंड मैंने बहुत सारी पोटेटोज इकट्ठा की थी, उन सबको डाल दी मैंने फर्नेस पर। देन मैंने इकट्ठा की कुछ ट्रीज के वुड क्योंकि मेरे पास एक ही कोल है। यार अब मुझे करना है माइन। माइन करने के लिए मैं बन चुका हूँ फोरआर्म्स, मुझे नहीं पता क्यों बना, पर इसके पास बहुत अच्छी पावर जिसका नाम है एक्सप्लोसिव जंप, जिससे मैं जंप करूंगा और नीचे गिरूंगा तो नीचे के कुछ ब्लॉक टूट जाएंगे, मतलब फूट जाएंगे, लाइक ये टीएनटी ऐसा काम करता है। और मैं पहुंच चुका था एक, क्या बोलते हैं इसे, एक्चुअली रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत कुछ भूल सकते हो। मुझे डायमंड मिल गया, थैंक गॉड, डायमंड तो मिले कम से कम। उसकी दो डायमंड्स मुझे मिल चुके हैं, बहुत बढ़िया। साइड में खुदाई करके देख लेता हूँ कि और डायमंड्स है या फिर नहीं। ओके आई थिंक मुझे ऊपर चलना चाहिए और इससे यहाँ से चलता हूँ मैं आगे और नीचे चलता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कुछ और डायमंड्स वगैरह। ओह यहाँ बस कोल है, कोल से बना सकता हूँ टॉर्च क्योंकि टॉर्च को छोड़ो भाई, यहाँ बस मुझे एक और डायमंड्स मिल चुका है। और मुझे नहीं पता मैं डायमंड्स के लिए क्यों आया, क्योंकि ऊपर में मेरे पास था एक लावा पूल जिससे मैं ऐसी ही बना सकता था नदर पोर्टल। और मुझे मिल चुका है एक गोल्डन एप्पल और दो तीन लैपिस लाजुली, क्या बोलते इसे। देन मैं आ गया ऊपर
और सबसे पहले बनाई मैंने स्टिक्स, उसके बाद मैंने बनाई एक आयरन की पिकेक्स, क्योंकि मैंने पिकेक्स बना ही ली है तो मैं ऑब्सीडियन माइन करके लाकर मैं अपने घर के पास बना सकता हूँ नदर पोर्टल। एंड नाउ मैं आ चुका हूँ अपने लावा पुल के पास, एंड मैं वाटर लाना भूल गया था इसलिए मेरे पास है एक एलियन का नाम है ओवरफ्लो, आई थिंक यही नाम है। ओके ये रहा ओवरफ्लो और मैं बन चुका हूँ ओवरफ्लो। इसमें एक कैपेबिलिटी है कि वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं और वाटर फेंक भी सकते हैं। सो वाटर बूस्ट, वाटर ब्लास्ट, ये करके देखते हैं, ये ज्यादा करना होगा। ये वाटर ब्लास्ट हो चुके हैं और बहुत सारे आ चुके हैं मेरे पास वाटर, और मेरे पास बन चुके हैं बहुत सारे ऑब्सीडियंस। वाह भाई यार, कभी कभी दिमाग तो मैं लगा ही लेता हूँ। थैंक्स। देन मैंने इकट्ठा की कुछ ऑब्सीडियंस और उसके बाद बनाई मैंने एक नदर पोर्टल, बहुत प्यारी सी बनाई मैंने एक नदर पोर्टल, जिसमें ऑब्सीडियन की कमी की वजह से मैंने साइड साइड पर कॉबलस्टोन लगा दी, क्या ही कर सकते हैं। और मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि हीट फ्लास्क बनने के बाद। एंड नाउ मुझे जाना है नदर पोर्टल के अंदर, मैंने खाई थोड़ी सी फूड और मैं आ चुका हूँ नदर पोर्टल के अंदर। उसके बाद मैं उड़ते उड़ते चला गया कुछ आगे, जहाँ पास मुझे मिल चुका था ये। और हीट ब्लास्ट बनने के बाद मेरे को सबसे अच्छी चीज ये मिली है कि मैं लावा पर नहीं जलने वाला बिल्कुल भी नहीं। और इस पर मुझे मिल चुका है एक ब्लॉक ऑफ गोल्ड, पिगलिंस वगैरह भी मेरे को हीट नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता क्यों। ये रहे इतने सारे गोल्ड, मैं इसी की तलाश पर मैं आया था यहाँ। वाह यार इतने सारे गोल्ड, इन सबको मैं इकट्ठा करके मैं कर सकता हूँ पिगलिंस ट्रेड। और मुझे आसानी से मिल चुका है एक फुटरेस्ट, मुझे नहीं पता कैसे मिला, पर बस मैं ऐसे ही घूम रहा था, मतलब कि जहाँ बस मुझे मिला था एक गोल्ड उसके जस्ट आगे पर एक ये फॉरेस्ट था, वहाँ पर से मुझे मिल चुका था। सबसे पहले मैं बन जाता हूँ एक हीट ब्लास्ट, क्योंकि बाकी एलियंस पर फायर का असर पड़ता है। एक हीट ब्लास्ट ये है जिसके पास एक एबिलिटी है, आई थिंक वो फायर का ही बना है इसलिए उसे फायर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, या प्लेस में मेरा कुछ नहीं कर पाएगा इसलिए ये एक प्लेस मुझे मिल चुका है। एंड प्लेस मैंने मारा, थर्ड प्लेस को मैंने मारा, देन ऐसा करके मैंने कलेक्ट किया 16 प्लेस। देन मैंने कलेक्ट की कुछ एंडर पर्ल, क्योंकि मुझे गोल्ड से ट्रेड करने के लिए मुझे पिगलिंग्स नहीं मिले इसलिए मैंने एंडर पर्ल कलेक्ट कर ली। देन मैंने बना ली आई ऑफ एंडर, और सबसे जरूरी चीज रखना चाहता हूँ मैं पेड़, क्योंकि पेड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ अपने मिशन पर जो कि मिशन है चिड़िया मारना। ओके एडमंड में जाने से पहले सबसे पहले मुझे चाहिए एक बहुत सारी एलियंस, मतलब कि जितने सारे मेरे पास एलियंस है उन सबको मैं कर सकता हूँ अपग्रेड। एक्चुअली ये मुझे अभी पता चला, क्योंकि नॉर्मल ओमनीट्रिक्स मैं इस ड्रैगन को नहीं हिट कर पाऊंगा इसलिए मुझे चाहिए एक अपग्रेडेड ओमनीट्रिक्स। तो सबसे पहले बनना है मुझे अपग्रेड, तो दिस इज अपग्रेड। उसके बाद मुझे दबाना है लेफ्ट क्लिक, जिससे बन चुकी है मेरी ओमनीट्रिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल। तो सबसे पहले बन जाते हैं एक्सलरेट, और भाई एक्सलरेट की कुछ ये इसकी चेंज हो चुकी है, मुझे नहीं पता है कैसे चेंज हुई। देन मैंने आई ऑफ एंडर थ्रो की और मुझे जाना है इस तरफ, भाई एक्सलरेट बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं एक या डेढ़ मिनट में बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ, बहुत ज्यादा दूर। और मैं आ चुका था डेजर्ट में, और डेजर्ट में इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है इसलिए मुझे बनना पड़ेगा कैनन बोल्ट। सो कैनन बोल्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट है और ये ट्रेवल कर सकता है एक गंदी गंदी जगह पर बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेवल कर सकता है। यहाँ से मैंने थ्रो की आई ऑफ एंडर, सो इसके अंदर जा रहा है। देन मैंने डिग की कुछ समय तक, देन मुझे मिल चुका था एंड पोर्टल, उस पर लगाई मैंने सारी आई ऑफ एंडर। उसके बाद मैं कूद चुका था एंड वर्ल्ड में। ठीक है गाइस, मैं आ चुका हूँ एंड वर्ल्ड में, अब मुझे बहुत ध्यान से मारनी होगी इस ड्रैगन पे। सबसे पहले मैं बन जाता हूँ कुछ उड़ने वाला एलियन, और ब्रो यहाँ पर से मरते मरते बचा, यहाँ पर से मेरी हार्ट, भाई हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। और हीट ब्लास्ट भाई कितना ज्यादा कूल है, मुझे नहीं पता है कितना कूल है बाकी एलियन से, पर ये बहुत ज्यादा कूल है, मुझे तो बहुत ज्यादा कूल लगते हैं। और लास्ट में मेरी ओमनीट्रिक्स की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, तो सभी इस पावर के सोर्स को मैंने फोड़ दिया था। अब मुझे बनना है कुछ ऐसा एलियंस जिससे एक बार में मर जाए, और आई थिंक मुझे डायमंड हैंड बनना चाहिए, क्योंकि डायमंड हैंड बहुत ज्यादा पावरफुल था कार्टून में, मतलब कि कार्टून नहीं वो एक्चुअली रियल था, कार्टून तो मेरी लाइफ है। और यहाँ पर मैं कंटिन्यू में थ्रो करते जा रहा भाई, उसे लिटरली एक डायमंड शॉर्ट्स पड़ी और वो खत्म हो गया, यार कितना पावरफुल है डायमंड हैंड, ओ माय गॉड। के बाद मैं कलेक्ट की ये ड्रैगन एग, एंड मैं घर नहीं जाने वाला था क्योंकि ओमनीट्रिक्स का काम खत्म हो चुका था, इसलिए मुझे ओमनीट्रिक्स को अब फेंकना था। मैंने उतारी अपनी ओमनीट्रिक्स और धीरे धीरे चला गया मैं इस वर्ल्ड के किनारे, जहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती, कोई मतलब कोई भी चीज़ नहीं। और मुझे कहते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पर मुझे ओमनीट्रिक्स को यहाँ से फेंकना होगा। बाय बाय ओमनीट्रिक्स। सो मैंने फेंक दिया मेरा ओमनीट्रिक्स और मैं जाने वाला था घर, मुझे नहीं पता कि मैं घर जाकर क्या करूंगा। बस यहाँ बस मेरे को वैसा ही फील हो रहा था जब हम 7th और 8th क्लास से हम घर आते थे और बचपन में देखते थे बेन 10 की कार्टून, और एक एपिसोड में होता है कि बेन 10 का सारा जीवन एक सपना था। सो गुड बाय ओमनीट्रिक्स।
एलियन डिवाइस का असर हो गया।